हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअल मैं एक्वेरियम के बारे में बेसिकली हमेशा ही आप लोगों को जानकारी देता आया हूँ और एक्वेरियम के बारे में ही बताता हूँ। तो आज के जो स्पेशली वीडियो है, एक्चुअल में बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्वेरियम की ब्यूटी तभी होती है जब इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि चाहे आप अच्छी क्वालिटी का ग्लास यूज़ कीजिए, अच्छी क्वालिटी की फिशेज यूज़ कीजिए, अच्छी क्वालिटी का बैकग्राउंड यूज़ कीजिए, उसी के तरीके से आप इसमें चाहे कितना भी अच्छा डेकोरेशन कर लो, बट आप जब तक इसमें एक अच्छा सा व्यू नहीं ले पाओगे, आप खुद नहीं ले पाओगे, या तो आप रखे हुए कितना भी एक्सपेंसिव एक्वेरियम, कितना भी इंपोर्टेड एक्वेरियम, कितनी भी मेहनत से अगर आप बनाते हो उस एक्वेरियम को, लेकिन अगर उसका व्यू आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसकी फ्रेमिंग अच्छी नहीं आ रही, तो वो एक्वेरियम फिर किसी काम का नहीं। क्योंकि देखिए, ब्यूटी और सुंदरता ही तो है, सजावट ही तो है, मतलब एक तरीके से जो चीज़ आपको देखना है, जो चीज़ चाहते हैं, वो चीज़ दिख ही नहीं पाएगी सही तरीके से, तो उसका मतलब तो कोई नहीं है। इसके लिए सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ। तो जो स्टैंड्स हैं, जैसे कि एक बेसिकली स्टैंड होता है, वो अपन लोग लोहे के फ्रेम टाइप का एक होता है, अपन लोग एंगल बना लेते हैं, उस पर रख देते हैं। मोस्टली आप लोग एक्वेरियम शॉप में, तो कोई पुरानी एक्वेरियम शॉप होगी, तो कोई नई भी आजकल एक्वेरियम शॉप बनती हैं, तो आप लोग चाहे वो मेरी भी शॉप क्यों ना होगी, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि एक लोहे के फ्रेम होते हैं मेन, उन्हीं फ्रेमों पे रख देते हैं अपन लोग एक्वेरियम। और बहुत सारे तो कस्टमर भैया लोग भी होते हैं, वो लोग भी लोहे की दुकान में जाके इसी चक्कर में बनवा के एक हाइट का, जिसकी जबकि आई थिंक स्टैंडर्ड हाइट भी नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने से स्टैंड बनवाते हैं या अपने से एक्वेरियम बनाते हैं, दोनों चीज़ की स्टैंडर्ड साइज़ होती है। उस साइज़ पर आप लोग अगर बेसिकली चाहे एक्वेरियम बनाइए या एक्वेरियम का स्टैंड बनाइए, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी एसेसरीज लेने में, टॉप कवर लेने में। तो इसी तरीके से आज मैं एक्वेरियम के बारे में बात नहीं करूँगा, एक्वेरियम के बेसिकली सिर्फ स्टैंड्स के बारे में और उसके व्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मैं उसी के बारे में सिर्फ बात करूँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगे और लोगों के पास जानकारियाँ पहुँचेंगी इस चीज़ को लेकर। तो मैंने अभी तक ये स्टैंड के बारे, इसके अलावा बहुत सारे लोग लकड़ी के कबर्ड या अपने घर में टेबल होती है किसी भी साइज़ की होती है, उसके ऊपर एक्वेरियम रख देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये करना सही नहीं रहता। अगर आप लोग एक लोहे का फ्रेम भी बनवाते हो, तो उसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है, वो हाइट लेना चाहिए, वो 30 इंच होनी चाहिए डिप्थ, तो आप लोग उसी के हिसाब से लोग जितने आपके एक्वेरियम की होगी, और लेंथ भी आप लोग जितने आपके एक्वेरियम की होगी। लेकिन हाइट में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, अगर ज़्यादा ऊँचा हो जाएगा तो भी आप लोगों को एक्वेरियम का व्यू नहीं मिलेगा, और ज़्यादा नीचा हो जाएगा ना तो भी व्यू नहीं मिलेगा। तो स्टैंडर्ड जो इसकी साइज़ होती है, 30 इंच सबसे बेस्ट होती है, उसमें आप लोगों को व्यू भी अच्छा मिलेगा और हर हाइट के इंसान को भी अच्छा दिखेगा। बहुत से लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, तो दोनों लोगों में मतलब बच्चे हो गए बड़े हो गए, तो सब लोगों को उसमें व्यू बहुत अच्छा। तो चलिए, मेरे पास कुछ एक्चुअल में स्टैंडर्ड कबर्ड वाले और कैबिनेट वाले कुछ टॉप वो स्टैंड्स मैंने बनवाए हुए हैं, इनके बारे में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, उनके प्राइस के बारे में बताऊंगा, और ये मिलते कहाँ हैं मेरे पास, किस साइज़ के मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो मेरे पास सभी साइज़ के मिल जाएंगे, मेरी शॉप में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग कहीं से भी हैं जिस एरिए में, रीवा से बस जाती होगी या ट्रेन जाती होगी, वहाँ पर ये पहुँच भी जाएंगे। इनके रेट भी काफ़ी किफ़ायती हैं, और चलिए अब अपन लोग इसी पर चलते हैं, और आप लोगों को मैं इसका पूरा व्यू और इनके प्राइस की बात करता हूँ। देखिए इसे, तो मैं चलिए अब आप लोगों को अपने यहाँ पे आए हुए कुछ फ्रेम्स और स्टैंड्स के बारे में दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के भी दिख रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ मैं इनकी बताना चाहूँगा कि ये इंडियन है, और आप इस पे चाहें तो कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी जगह खाली, अंदर तरफ 4 वो बने हुए हैं खाने, और इस पर आप मतलब अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर एक्वेरियम और इसकी हाइट वगैरह भी देख सकते हैं, इसका व्यूज़ भी कैसा आ रहा है, और जो खाली खंधे बने हुए हैं इसमें आप कुछ कुछ सामान रख सकते हैं अपने ज़रूरी यूज़ के। और ये देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है, इसमें चाहे तो आप लोग लॉक वाला सिस्टम भी बनवा सकते हैं, आप लोग कहेंगे तो वो भी बन जाएगा और लग जाएगा। और आप लोग इसकी फिनिशिंग वगैरह भी देख सकते हो, इसकी जो लंबाई है 3 फीट लंबी है, और जिसकी चौड़ाई है 15 इंच है, एक्वेरियम भी 15 इंच का ही है, और जो इसकी हाइट है जैसे मैंने बताया था 30 इंच व्यू के हिसाब से सही होता है। और देख भी सकते हैं आप लोग कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना सही दिख रहा है सारी चीज़ें, एक्वेरियम भी, स्टैंड भी, फ्रेम भी, सारी चीज़ें। अब मैं इसके प्राइस के बारे में बात करना चाहूँगा, इसका जो जिस चीज़ से बनता है, वुडन से बना हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुडन यूज़ किया गया है, और 3 फीट लंबाई और 15 इंच चौड़ाई का ये 4000 रुपीज़ में बन जाएगा।
मतलब आप लोग देख, इसमें क्वालिटी भी होती है, कुछ बहुत लोकल क्वालिटी होती है, लेकिन एक्वेरियम का वेट ज़्यादा होता है और फिर कभी कभार पानी वगैरह छीटा वीटा भी पड़ जाएगा तो ख़राब ना हो। इसके लिए इसको आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी को 200-400 रुपये थोड़ा सा महंगा बनवाएं, पर ये अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए हमेशा। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा बनवाता हूँ, तो इसके लिए 4000 रुपीज़ का पड़ेगा। अपन लोग चलते हैं यहाँ पे, आप लोग टैंक देख सकते हैं, इसकी मैंने कम्युनिटी टैंक में फ़ोटो भी डाली हुई थी, तो आप लोग देख सकते हो इसका व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। 4 फीट लंबा टैंक है और हाइट जो है 16 इंच है और टॉप कवर को मिला के 18 इंच होगी और जिसकी डीप्थ है वो 12 इंच है। लेकिन आप लोग इसका व्यूज़ और इसकी क्वालिटी देख सकते हो। अब चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 3 दरवाजे लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली बीच में भी एक स्टैंड देना पड़ा है, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा सा इसमें वेट ज़्यादा होता है, 4 फीट का टैंक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इधर तरफ अलग सामान रखने के लिए या कुछ भी सामान रखने के लिए, एक्वेरियम एक्सेसरीज हो या कुछ भी डेकोरेशन का आइटम या कुछ भी घर की सजावट के सामान आपको रखने हो, या तो आप लोग इधर देख सकते हैं, फिर एक खाना आपको और मिल जाएगा। और इसमें अगर आप लोगों को लॉक भी लगवाना है तो उसका 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ चार्ज लगता है एक्स्ट्रा, उसमें आपके सब लॉक भी लग जाएंगे। तो आप लोग कीमती सामान भी रख सकते हो, जैसे कोई बच्चे वगैरह या बार बार निकाल के तोड़ फोड़ ना दें या कोई चोरी वोरी ना हो जाए, इसकी वजह से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसकी भी सेम हाइट है, 2.5 फीट बोलते हैं, 30 इंच 30 इंच वो लंबाई मैंने बताई दी है, 4 फीट है और बाकी वो 12 इंच है। अब अपन लोग, आप लोग इसको साइड से इसकी फिनिशिंग आप लोग देखें, ये भी वुडन का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुडन है और काफ़ी मजबूत है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मोटा भी है। इसमें बीच में एक स्टैंड, इसी तरीके के कुछ चाइना वाले आते हैं स्टैंड्स, वो उन्हें मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जो चाइनीज एक्वेरियम होते हैं उनके साथ में भी मिलते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों को उस टाइप के एक्वेरियम्स पसंद हो तो आप लोग उस तरीके के एक्वेरियम लेके फिर मेरे यहाँ से स्टैंड ले सकते हो। और यदि आप चाहें तो इस टैंक को भी देख सकते हैं, इस स्टैंड के साथ में कितना प्यारा हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चाइनीज टैंक बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे मेरे इस टैंक के सामने, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इन्हीं टैंक को रखना चाहोगे, इस स्टैंड की जो प्राइस होती है ये 5000 रुपीज़ है, 5000 में वो भी अच्छी क्वालिटी का। लेकिन अगर आप लोग इसी में क्वालिटी वगैरह कुछ ख़राब कर देते हैं या वुडन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो उसी में इसकी कीमत हो जाती है 4000 या 4500 रुपीज़ ऐसे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ आप लोग 200-500 के पीछे अपन लोगों को क्वालिटी इसकी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी चलेगा और ये पानी वानी पड़ने से भी ख़राब ना हो। और आप लोग बड़ा सा एक्वेरियम या हाइटेड या वेटेड चीज़ भी रख सकते हो और वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे या मेल करेंगे और या तो मेरी शॉप में आके ज़रूर खरीदेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।